हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसरोल में दिए मैं क्यों रख रही हूँ, क्या रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है। शक्कर को मैं डब्बे में क्यों डाल रही हूँ, इसके लिए आपको वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। और आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपके समय और पैसे की बचत भी करेगी। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप्स है सूखे नारियल के गोले को लेकर। फ्रेंड्स, जो सूखा नारियल का गोला है ना, वो रखे रखे आप देखते होंगे ख़राब हो जाता है, बहुत दिन तक नहीं चल पाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप ना, जब गोला लो ना, तो आप इसे ऊपर से थोड़ा सा कट करके जो शक्कर है वो इसके अंदर आप डाल दो। और डालने के बाद आप इसको जिस कंटेनर में आप शक्कर को स्टोर करके रखते हैं ना, वहाँ पे आप इसको डाल दीजिए। शुगर क्या करता है ना, आपके नारियल को ख़राब नहीं होने देता है। सूखा गोला आप मोस्टली देखते होंगे 1 से 2 महीने बाद ना ये ख़राब हो जाता है, बट जब आप इसमें शक्कर डाल के रखोगे तो आप देखोगे आपके जो गोले हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और भी ज़्यादा फ्रेश और टेस्टी लगेंगे। अगर ये खड़ा गोला है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको शक्कर डाल दिया है, बट अगर आपने गोले यूज़ किए हुए हैं, आपके पास टूटा हुआ है, कटा हुआ है, तो उसे आप इस तरीके से डाल सकते हो। मेरा देखिए लगभग अभी शुगर ख़त्म हो गया है, मैंने सारा इसी में डाल के भर के रखा हुआ था। और ये जो मेरा सूखा नारियल है ना, बहुत मतलब कई दिनों का है और बिल्कुल इसकी फ्रेशनेस और इसके टेस्ट में ना कोई भी अंतर नहीं आया है। आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हो और कई महीनों तक आपके गोले सेफली पड़े रहेंगे। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको शक्कर में नहीं डालना है, तो आप इसके ऊपर देसी घी लगा कर भी रखोगे ना, तो भी आपके जो सूखे गोले हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने दोनों टिप्स आपको बता दिया है, या तो आप घी, देसी घी लगा के रख लीजिए, या तो आप इस तरीके से शक्कर में पूरा भर के रख लीजिए। मैं अभी जब शक्कर लेकर आऊँगी तो इसे पूरा फुल कर दूँगी, जिससे नारियल नीचे की तरफ शक्कर के ऊपर नीचे रहेगा, जिससे बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। आई होप आपको दोनों टिप्स यूज़फुल लगी होगी, आप ज़रूर इसे ट्राई करना, जिससे आपके जो नारियल है वो कभी भी, स्पेशली गोले, कभी ख़राब नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, बिस्किट्स हर घर में आते हैं और बच्चों को बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद भी होते हैं, बट क्या होता है, बच्चे फटाफट से बिस्किट को खोलते हैं, यूज़ करते हैं और इस तरीके से ठीक से बंद नहीं करते हैं, तो बिस्किट जो हमारी है वो ख़राब हो जाती है। चाहे जैसी भी बिस्किट आप लेकर आएँ, वो ख़राब हो जाती है। तो उसी के लिए आज मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी आप बिस्किट को स्टोर कर रहे हो ना, तो इस तरीके से आप उठा के बंडल में, तब इसको धीरे धीरे आप रखेंगे ना, तो आपकी बिस्किट टूटती भी नहीं है और बहुत कम स्पेस में आ जाती है। अगर आप डायरेक्टली मतलब इसी तरह से उढ़ेल देंगे ना, डाल देंगे पैकेट को डायरेक्टली ऐसे, तो आप देखोगे पूरा डब्बा भर जाता है, बिस्किट्स भी टूट जाती हैं। तो आप इस तरीके से बंडल में रखेंगे बिस्किट ना, तो आपके बिस्किट अच्छे से रखा जाएगी कम स्पेस में। अच्छा, दूसरी टिप्स है, आपकी जो बिस्किट्स है वो सॉफ्ट ना रहे और इसी तरीके से फ्रेश रहे। तो इसके लिए बहुत छोटा सा हैक है, आपको क्या करना है, बिस्किट्स में थोड़ा सा हाफ स्पून शुगर डाल देना है। शुगर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करता है किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए। इसके बाद आप देखोगे आपकी जो बिस्किट्स एकदम फ्रेश रहेंगी जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम की है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, कोई भी चेन हो बच्चों के बैग का, पर्स का, आप देखते होंगे मोस्टली यूज़ करते करते चेन ख़राब हो जाती है, ठीक से सरकती नहीं है। तो इसके लिए हम या तो मार्केट में जाके चेंज करवाते हैं, या तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा टिप्स है, आप ना कोई भी टिप्स ट्राई कर लेना, मैं आपको फ़िलहाल एक बता रही हूँ और एक दो और बताऊँगी, तो आप कोई भी आपको जो यूज़फुल लगे आप ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपके बैग का, स्कूल बैग या कोई भी बैग हो, अगर चेन आपकी जाम हो जाए, आगे ना बढ़े, ख़राब सी हो जाए, तो आपको करना क्या है, वैसलीन। वैसलीन हर घर में होता है, थोड़ा सा वैसलीन ले लेना है और आपको ना इस तरीके से इस पर मालिश कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी चेन ना स्मूथली रन करेगी, अच्छे से चलेगी। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कैंडल, मोमबत्ती जो होती है ना, मोमबत्ती को भी आप इसमें घिसोगे ना, इस चेन के ऊपर घिसोगे, तो आप देखोगे आपकी चेन बहुत अच्छी वर्क करती है। और तीसरी टिप है साबुन। अगर साबुन कुछ भी नहीं है आपके पास, तो साबुन तो श्योर होता है, साबुन भी आप रब करोगे ना, तो आपकी चेन अच्छे से काम करती है। तो वैसलीन, साबुन या फिर
मोमबत्ती, तीनों में से कुछ भी आप यूज़ करो आपकी चेन एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब अगली टिप्स है फ्रेंड्स मिल्क को लेके। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, मिल्क हम गर्म करके फ्रिज में रखते हैं, हमें कहीं जाना पड़ता है और हमें लगता है कि हम हफ्ते दिन बाद आएंगे तो हमारा दूध है वो स्मेल करेगा, ख़राब होगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, जब भी आप छुट्टी वगैरह में जाओ या कभी इमरजेंसी ऐसी रहे कि हाँ दूध बचा है फ्रिज में रख के ही जाना है आपको, तो आप उसमें 3 से 4 लौंग डाल दीजिए या फिर 3 से 4 इलायची, दोनों में से कोई भी टिप्स आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जब 1 हफ्ते बाद आप इसे यूज़ करोगे फ्रिज से ना, तो कोई भी स्मेल नहीं आएगी और फ्रिज और दूध आपका फ्रेश रहेगा। तो ये टिप्स आप ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि मैंने भी इसे ट्राई किया हुआ है। अब अगली टिप्स है फ्रेंड्स कैसरोल को लेके। फ्रेंड्स कैसरोल में हम जब भी डायरेक्टली रोटी रखते हैं, आप देखते होंगे कपड़े वगैरह में या टिश्यू पेपर में, वो गीली हो जाती है, नीचे की रोटी हमें फेंकनी ही पड़ती है क्योंकि वो कोई नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। अभी तो मेरे पास रोटी नहीं है, अभी खाली है तो मैं आपको दिखाती। तो मैं इसको कैसे रख सकते हैं ना, अगर आपको ये वाला टिप्स ट्राई कर सकते हो, आपके घर दिए जो होंगे ना, आप 2 से 3 दिए 4 दिए जितना भी आपका कैसरोल छोटा बड़ा है आप इस तरीके से रख लो। इसके बाद आप इसके ऊपर कपड़े में रोटी रखो या फिर टिश्यू पेपर में रोटी रखो, आपकी रोटी गीली नहीं होगी क्योंकि जो दिया है ना वो पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है और आपकी रोटी को गीला होने नहीं देता। इसके अलावा जो छोटे वाले स्टैंड होते हैं ना वो आप इसमें रख सकते हो, बट दिया भी सबके घरों में होता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। 0 कॉस्ट में कुछ भी हमारा नहीं लग रहा है और आपकी जो रोटियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आई होप ये टिप्स भी आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर सकते हो। अच्छा फ्रेंड्स अगली टिप्स है ना सिंक को लेके। सिंक में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपके सिंक से भी उस एरिया से कॉकरोच वगैरह आते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके लिए ये वाली टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसको आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करके देखना, आपके सिंक से कॉकरोच नहीं आएंगे क्योंकि स्पेशली जो कॉकरोच वगैरह होते हैं ना वो इसी तरह के ड्रेनेज एरिया से या फिर सिंक एरिया से ही आते हैं, और 1-2 आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी टैल्कम पाउडर या तो एक्सपायर डेट का हो या तो पुराना आपके पास हो, तो आप इसे छिड़क दीजिए रात के समय। इसके बाद बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और सुबह आप देखोगे 1 से 2 बार के अप्लाई करने से कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आपका सिंक एरिया भी खूब अच्छा खुशबूदार हो जाएगा। तो ये टिप्स ज़रूर ट्राई करके देखना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलेंगे कल नई वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।